दोस्तों आज हम बात करेंगे इंस्टेंट गीजर या इंस्टेंट रनिंग वाटर हीटर के बारे में। ये जो मॉडल है आप देख रहे हैं ये निक्सॉम्स की तरफ से है। तो विंटर सीजन ऑलमोस्ट आ ही चुका है। अगर आप गीजर के बारे में सोच रहे हैं तो ये प्रोडक्ट आप एक बार देख लीजिए, हो सकता है गीजर का जरूरत ना पड़े और इसी से आपका काम बन जाए। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। मैं ऑलमोस्ट दिसंबर में ये 2 साल कंप्लीट हो जाएगा और इसको मैं मल्टीपल टाइम्स मैंने यूज़ किया है, एक बार भी कोई भी प्रॉब्लम्स में आया नहीं है। सब डिटेल्स बताऊंगे इसके बारे में कि क्या आपको प्रिकॉशन लेना है, क्या कॉशन लेना है, क्योंकि सब कुछ जान लेना जरूरी है जब आप कोई चीज़ परचेस कर रहे हैं, कैसे फिटिंग होगा नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। तो ये 3000 वाट का है, मतलब 3 किलो वाट का इसका रेटिंग है पावर। इसका जो नेम प्लेट है आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं क्या क्या इसका डिटेल्स है। 220 वोल्टेज में ये काम करती है जो कि हाउस होल्ड सप्लाई है और बहुत इजीली ये फिट हो जाती है। जो बड़ा बड़ा जो गीजर जो रहता है उसका फिटिंग के लिए जो स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा ले लेता है और फिटिंग के लिए आपको किसी थर्ड पर्सन का भी जरूरत पड़ता है, किसी को बुलाना पड़ता है आपको फिटिंग के लिए, उस चार्जेबल भी होता है। तो ये ऐसा चीज़ है कि आप ऑलमोस्ट खुद से घर पे कर सकते हैं, कोई झंझट वाली बात है नहीं, क्योंकि इसका जो फिटिंग का जो अटैचमेंट है सब कुछ पैकेट में आता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये यहाँ पे आप सिग्नल देख सकते हैं, यहाँ पे एक दिया गया है ब्लू और रेड। तो ब्लू है इधर नॉर्मल वाटर, ठीक है, इधर मैं घुमाऊंगा तो नॉर्मल वाटर और इधर मैं घुमाऊंगा तो हॉट वाटर निकलकर शुरू हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी टेम्परेचर सेटिंग का, मतलब प्री सेट का, ऐसा कोई नॉब या सेटिंग यहाँ पर नहीं है, ना ही ऐसा कुछ डिस्प्ले है कि कितना पानी गर्म है। और यहाँ पे एक इंडिकेशन रिंग टाइप लाइट दिया गया है। तो मैं इसको बेसिकली क्या करके रखा हूँ, यहाँ पे एक प्लग पॉइंट है 16 एम्स का यहाँ पे। तो जब इसको मुझे यूज़ करना है तभी जाके मैं इसको ऑन करता हूँ, उसके बाद मैं इसको यूज में लाता हूँ। रीजन ये है कि जब भी हॉट वाटर में आप डालेंगे तो तुरंत गर्म पानी निकलना शुरू हो जाता है। घर में बच्चे हैं तो चीज़ को सेफ रखने के लिए मैं ये चीज़ करके रखा हूँ। मैं भी आपसे सजेस्ट करूंगा कि इसके लिए अलग से एक प्लग पॉइंट बना कर रखिए, ऑलवेज इसको ऑन करके मत रखिए अगर घर में बच्चे बच्चे हैं तो। तो ये तो एक पॉइंट हो गया। सेकंड हो गया, इतना साल से कोई प्रॉब्लम इसमें आया है या नहीं आया, तो एक भी इसमें प्रॉब्लम आया नहीं है। लेकिन एक गलती मैंने कर दिया, एक्चुअली एक नहीं दो गलती हो गया है। ये फर्स्ट ये है कि इसका जो प्रेशर है, जो पानी फ्लो आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली इतना धीरे नहीं गिरता है, ठीक है। ये प्रॉब्लम मेरा एक्चुअली जो बाथरूम का जो पाइपलाइन है उसमें कुछ फॉल्ट आ गया है, उसके लिए प्रेशर ड्रॉप हो गया है, नहीं तो इसका जो प्रेशर है काफ़ी अच्छा है, सफिशियंट है, जैसे नॉर्मल टैप वाटर में होता है। एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि इसका जो अलाइनमेंट होना चाहिए एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। मेरा क्या हो गया था, ये ऐसे एक बार सॉरी इस तरफ टिल्ट हो गया था, तो उसके लिए अंदर का जो पार्ट है ये थोड़ा मतलब गल गया था। मैं आपको दिखाता हूँ अंदर खोल के भी कि इसको आपको कैसे क्लीन करना है। तो सिंपली पहले पावर को ऑफ करना है और हॉट वाटर को ड्रेन आउट कर देना है और इसको खोल के आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली एक हीटर कॉइल है और कुछ नहीं है। तो क्या होता है, जब मैं इसको टिल्ट कर दिया था, मतलब गलती से हो गया था ऐसे टिल्ट, तो पानी का जो लेवल है इधर कम गया था और इधर ज़्यादा था। तो ये जो कॉइल है यहाँ पे ये इस पर टच हुआ था, ठीक है। तो इसका टच के लिए यहाँ पे जो प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक भी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया है, यहाँ पे सिर्फ गल गया था। तो कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें जो ग्लू गन है उससे मैं चिपका दिया था, तो कोई प्रॉब्लम उसके बाद हुआ नहीं। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया, ये गलती आप भी मत कीजिएगा। इसके अलाइनमेंट जो सीधा आपको रखना है। दूसरा इसमें अच्छी बात है कि इसका जो ये पॉइंट जो है, जो नल है, ये कोई भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है 180 डिग्री में। जैसे आप इधर मूव करना चाहते हैं तो इधर हो सकता है और इधर भी हो सकता है। तो अभी मैं इसका पावर ऑन कर देता हूँ, नॉब इस तरफ मैंने घुमा लिया। अब मैं हीटर को ऑन करता हूँ तो यहाँ पर देख रहे हैं ब्लू एक रिंग लाइट आप देख सकते हैं। और देख सकते हैं कि भाप भी निकल रहा है। तो एकदम इंस्टेंट पानी को गर्म कर देता है ये, कोई भी टाइम ये लेती नहीं है। पानी अच्छा खासा गर्म होता है, मैं टेम्परेचर तो बता नहीं सकता लेकिन छू के जितना समझ आता है
जितना गर्म है ये अराउंड आपका 80 to 85 डिग्री का टेम्परेचर, तो ये 75 to 80 डिग्री टेम्परेचर पर आराम से हो जाता है तुरंत, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है प्रिकॉशन आपको लेना है कि जब अगर मान लीजिए ऐसा आपको गर्म पानी निकालना है तो आप निकाल लिए, ठीक है। अब क्या करना है सेफ्टी के लिए, ठीक है, थोड़ा आप जो कोल्ड वाटर या नॉर्मल वाटर भी बोल सकते हैं उसको भी थोड़ा ड्रेन आउट कर लीजिए। रीज़न ये है जब भी हॉट वाटर को देने के बाद आप उसको ऑफ करते हैं तो अंदर में जो पानी रहता है पूरा गर्म रहता है। तो मान लीजिए घर में बच्चे बच्चे हैं, अगर गलती से इसको ऑन कर दिए या कोई दूसरा इंसान आके यूज़ करना चाहता है इसको और गलती से भी नॉर्मल वाटर की तरफ भी घुमाता है तो जो इतना छोटा एरिया में जो गर्म पानी है, ठीक है, वो निकलना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए आपको लग भी सकता है, तो उसके लिए प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं इसका इतना हाई वाटेज क्यों है। देखिए गीज़र में क्या होता है कि 2 किलोवाट या 1.5 किलोवाट में काम हो जाता है। रीज़न ये है कि वहाँ पे पानी आपका स्टोर होता है, गर्म होता है, फिर आप उसको यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। एक रनिंग वाटर को गर्म करने के लिए इतना हाई वोल्टेज का पावर ज़रूरी है, इसलिए आप इसको 2 किलोवाट या 3 किलोवाट में ये सामान आपको मिलता है। 3 किलोवाट लेंगे तो सबसे बेस्ट है, तुरंत आपको इसका इफेक्ट नज़र में आएगा। अभी ठंडा का मौसम ऑलमोस्ट आ ही चुका है तो किचन में मम्मी लोग बहुत परेशान फील करते हैं या फेस करते हैं, जब भी उनको हाथ धोना रहता है, सब्जी काटना रहता है, सब्जी धोना पड़ता है तो ठंडा पानी हाथ में लगता है तो उनको भी बहुत तकलीफ होता है। घर में आपका मम्मी हो, सिस्टर हो या बीवी हो, उनको बहुत तकलीफ होता है, ठीक है, जब भी ऐसा उन लोग को किचन में काम करना पड़ता है ठंडे का मौसम में, लेकिन काम तो करना है। तो उनके लिए ये मुझे लगता है एक अवतार से कोई कम नहीं है, क्योंकि अगर इसको आप इंस्टॉल कर देते हैं तो गर्म पानी से बहुत उनको मदद मिल सकता है। ये बहुत जगह फिट हो सकता है, बेसिन में हो सकता है, बाथरूम में हो सकता है, आप बाहर में भी इसको यूज़ कर सकते हैं जैसा जिसका रिक्वायरमेंट है। दोस्तों इसको जब मैंने लिया था इसका प्राइस था 2700, प्राइस थोड़ा वेरी करता रहता है, लिंक मैं नीचे दे दूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वहाँ से ज़रूर बाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, किसी दोस्त को अगर हेल्प करना चाहते हैं इस इन्फॉर्मेशन से, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा उसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक्निकल ट्यूनर एंड कीप वॉचिंग टेक्निकल ट्यूनर।